साथियों, आपने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद जब यह बात घर परिवार को मालूम पड़ती है तो अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं, और विवाद इस हद तक खड़े हो जाते हैं कि जान माल तक बनाती है। ऐसी अवस्था में जब आपने कोर्ट मैरिज की है और आप घर छोड़कर भाग चुके हैं तो आपके खिलाफ एनपीआर भी दर्ज हो सकती है, या फिर लड़के के ऊपर गंभीर धाराओं के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। और ऐसी अवस्था में पुलिस जब आपको बयान के लिए बुलाती है तो पुलिस तो अपने बयान लेकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाती है, लेकिन लड़का और लड़की पर जान माल की बनाती है, उन्हें जान से मारने तक का प्रयास किया जाता है। ऐसी अवस्था के अंदर जब आपको पूरा विश्वास है कि आपकी कोर्ट मैरिज को आपके घर वाले नहीं मानेंगे और आपके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठा लिया जाएगा या आपको जान से मारा जा सकता है और आपको सुरक्षा चाहिए, तो इस मामले में आपको शरण लेनी पड़ेगी अपने क्षेत्र के हाईकोर्ट में। अपने क्षेत्र की हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की जाती है जिसमें लड़का लड़की की तरफ से उनके आधार कार्ड, उनके डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट, उनके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत होता है, और संबंधित थानाधिकारी के साथ, उस जिले के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ लड़की या लड़के के जो माता पिता विरोध कर रहे हैं उनको पक्षकार बनाया जाता है। और ऐसे अवस्था में हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेकर डायरेक्टली डायरेक्शन जारी करते हैं उस पुलिस अधीक्षक के नाम, उस जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को जिस एरिए के लिए आपने सुरक्षा मांगी गई है, और वहां के पुलिस अधीक्षक को हाईकोर्ट द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है कि वह आपकी सुरक्षा का बंदोबस्त करे और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों के अंदर फिर आपके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठता है। तो यदि आपने कोर्ट मैरिज की है और अगर आपको ये प्रतीत होता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपको जिन जिन लोगों से खतरा है वो खतरा किन कारणों से है, उन आधारों पर आप हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन डालकर आप अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के एक बेहतर एडवोकेट से मिलना पड़ेगा जो इस मैटर में आपकी पैरवी करेंगे। इसी प्रकार के अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं। नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।